हाय एवरीवन, आज मैं एक एक्सप्रेस का एक फंक्शन शो करने जा रहा हूँ, या फिर बोल लो कि फंक्शनलिटी है कि जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस का है राउटर, राउटर फंक्शन है। तो ये राउटर फंक्शन का यूज़ क्या है वो मैं दिखाने वाला हूँ, और बहुत ही यूज़फुल है, ट्रस्ट में। तो मैं पहले सीनारियो बताता हूँ कि कब आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो देखो, पहले मैं क्या स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरा एप्लीकेशन है, सर्वर है, उसको मैंने 6000 पोर्ट पर रन किया हुआ है, और ये जो पूरा API है उसको मैंने एक फाइल में ले लिया है, API फोल्डर, और उसके अंदर API.js क्रिएट करके उसमें एक्सप्रेस सर्वर को मैंने डिफाइन कर लिया है। और ये कुछ मैंने सिंपल से गेट कॉल क्रिएट कर दिया है, और ये जो ऐप है, ठीक है, ऐप हमारा बना एक्सप्रेस का, जो सर्वर है उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ से इंपोर्ट करके इसको लिसन करवा दिया है, ठीक है। index.js हमारा मेन फाइल है। तो देखो, पहले मैं इसको पोस्टमैन से कॉल करके दिखा देता हूँ, पहले यूज़र को, नहीं यूज़र को नहीं, नॉर्मल वाले को कॉल करता है। तो देखो ये आ गया, सर्वर API इज़ रनिंग, यस आ गया। उसके बाद क्या है, लॉगिन है, तो लॉगिन को मैंने कॉल कर दिया, लॉगिन इज़ रनिंग, इट मीन्स कि ये सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए कि बहुत सारे आपके API कॉल्स हो गए, ठीक है, लेट्स से कि बहुत सारे ऐसे API कॉल हो गए, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि सारे के सारे API कॉल एक ही फाइल में रहे, ठीक है। तो इस केस में हमें ये जो एक्सप्रेस है उसका एक फंक्शन जो है राउटर, वो यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है। देखो, मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है, तो पहले मैं दिखाता हूँ कि राउटर का यूज़ करके आप कोड को, या फिर बोल सकते कि ये जो आपकी API है उसको सेपरेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ, index.js फाइल में क्या रखना है वो मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसको निकाल दे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, index.js फाइल में मैंने एक्सप्रेस सर्वर का, जो हमारा मतलब सर्वर का मेन इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये दो चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ, और ये हमारा पोर्ट लिसन हो रहा है 6000 पे, तो ये तो हमारा हो गया परफेक्ट। अभी देखो, राउटर एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उसमें router.js करके एक मेन फाइल बनाई, ठीक है। उसमें क्या किया है वो देखो आप, कि एक्सप्रेस लिया, ठीक है, सही है, लेकिन अब की बार मैंने एक्सप्रेस का इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया, मतलब एक्सप्रेस का इंस्टेंस ये होता है, मतलब मेन सर्वर का इंस्टेंस ये क्रिएट हो गया एक बार। अभी जितने भी मुझे API कॉल्स बनाना है, तो उसको मैं ऐसा राउटर के अंदर डालूँगा, ठीक है। तो राउटर फंक्शंस का यूसेज ही यही है कि आप राउटर में अपने सारे के सारे ये API कॉल्स, या फिर बोलो कि रूट्स, आप मेंशन कर दो। तो देखो, express.router लिख दो आप, राउटर में गेट कॉल मैंने एक बना लिया, और दूसरे जो दो कॉल्स थे ये API में, लॉगिन एंड यूज़र, उसको मैंने दूसरे राउटर में बना लिया। देखो देखो, एक राउटर को आपने एक्सपोर्ट कर लिया, और इंडेक्स में आके उसको ऐसे डिस्ट्रक्चर करके आपको इंपोर्ट कर लेना है, और अभी जो एक्सप्रेस का मेन इंस्टेंस है उसमें आपको डाल देना है यूज़ फंक्शन के अंदर, मतलब कि ऐप आप ये राउटर को यूज़ करो, ठीक है। दूसरे जो API कॉल थे उसका मैंने डिफरेंट राउटर बना लिया। देखो, आपको अभी एक्सप्रेस का राउटर फंक्शन यूज़ करके यूज़र, देखो इसका नेम मैंने डिफरेंट दिया है, जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट राउटर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप नेम दे सकते हो। तो यूज़र राउटर, यूज़र राउटर में मैंने दो कॉल क्रिएट कर दिए, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करके इंडेक्स ये जो हमारी मेन फाइल है उसमें मैंने इंपोर्ट करवा लिया, और ऐप डॉट यूज़ में मैंने दे दिया, ठीक है। पहले देखते हैं ये रनिंग है कि नहीं, ठीक है। तो पहले स्लैश वाला रन करके देखते हैं, तो देखो राउटर इज़ रनिंग, यस। अभी मैं यूज़र लिखता हूँ, तो देखो यूज़र इज़ रनिंग,
लेकिन पता कैसे चला क्योंकि ये रूसर राउटर से आ रहा है, क्योंकि हमने एपीआई कॉल वाला भी बनाया है। ठीक है, फिर से करते हैं। तो यूज़र राउटर इज़ रनिंग, मतलब ये वाला रनिंग है, तो हमारा ऐसे राउटर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सर्वर का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके अंदर जितने भी एपीआई कॉल्स है या फिर आप बोल लो कि जितने भी आपके राउट्स है, उसको आपको सेपरेट करना है। तो आपको ये राउटर फंक्शन बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये राउटर मैंने बना लिया, ये यूज़र राउटर बना लिया। आगे जाके अगर डैशबोर्ड या फिर कुछ भी आपको रूट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेपरेट राउटर फाइल बनाइए और वो इजीली मैनेज होगा, रादर देन कीपिंग ऑल राउट्स इनटू द सिंगल फाइल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।